शिवनेश्वर, ए शिवनेश्वर, ए क्यों चिल्ला रहा है? वो फोन करके मुझे डरा रही है यार। ऐसा क्या, क्या बोल रही है वो? हिम्मत है तो पुल के पास आकर दिखा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे चुप हो जा, बैठ। मुझे सब कुछ पता है, ये सब मीरा और नटराजन का ड्रामा है। ड्रामा? तुम्हारा फोन बज रहा है। मीरा का फोन। क्या बोल रही है, बात करना है। हेलो, मीरा बोल रही हूँ। हाँ बोलो मीरा, क्या बात है मीरा? अगर तुम्हें हिम्मत है तो आनंद नगर के पुल पर अभी आ जाओ। हिम्मत? अभी आता हूँ। अरे शिवनेश्वर सुनो तो, यार ऐसी गलती मत कर। शिवनेश्वर और उसके दोस्तों ने मिलकर सिर्फ मीरा की ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों की इज्जत लूटी और उन्हें जान से मार डाला। इन सब बातों का पता लगाने के लिए मैं शिवनेश्वर के साले नटराजन से मिला। मैंने नटराजन से ये सारी बातें बताई तो वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गया। शिवनेश्वर के अत्याचारों का अंत करने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया, लेकिन पता नहीं शिवनेश्वर को कैसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। उल्टा शिवनेश्वर ने ही हमें मारने का प्लान बनाया। वो हमें मारने के लिए आ रहा था कि करके डरा रही हो? और ड्रामा किया तूने? मैं तो सच में घबरा गया। तेरी परफॉर्मेंस लाजवाब है, इनाम मिलना चाहिए। क्या बात, क्या मेकअप है, तुम्हें जरूर कोई इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल डरावना लुक है। मेरे मैटर में दखल थी इसलिए उन दोनों को मारना पड़ा। तू सिर्फ उसके जैसी दिखती है इसलिए मुझे डराना चाहती है। तुझे लगा कि मैं तुझसे डर जाऊंगा? तू मुझे मारना चाहती थी ना, ले अब तू मार। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। शिवनेश्वर मुझे बचा लो, बचा लो यार। Oh, my God.
दिन रात को शिवनेश्वर हमें मारने के लिए आया, तब मीरा की आत्मा नटराजन की बीवी के शरीर में घुस गई और उस पुल पर शिवनेश्वर और उसके दोस्तों को मार डाला। उसके बाद मीरा की आत्मा ने अपने सभी दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लिया। तुमने जो कहानी बताई, उस स्टोरी का कोई सबूत या गवाह है? अब तक मैंने रुद्रा समझकर तुम्हें सारी कहानी बताई, लेकिन तुम रुद्रा नहीं हो, इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ उस पर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम्हारे दोस्तों को जाकर बोलना है तो बोल दो, जाओ बोल दो, जाकर बोल दो कि मुझे पुलिस से पकड़वा दे। वो भी मैं देख लूंगा। मैं जा रहा हूं, तुम रुद्रा नहीं हो, समझ गए? मैं मीरा को बता दूंगा। हेलो, एक मिनट रुकिए तो। हेलो, मुझे तुमसे और कुछ बात करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे पर तुम रुद्रा नहीं हो। नहीं हो तुम रुद्रा। हेलो, अरे आप प्रोजेक्ट का इससे बेटर क्लाइमेक्स हो ही नहीं सकता मेरे भाई। भाई, इतना रिसर्च करने के बाद भी हाथ में कुछ लगा नहीं है, तो कैसे मान ले कि ये क्लाइमेक्स सही है? हाँ, हाँ, पर इसका कोई एंड तो होना चाहिए। तू क्या बोलता है भाई? देख, ये हर एक की सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर तुझे ये क्लाइमेक्स सही लग रहा है तो ठीक है, पर मुझे ये क्लाइमेक्स सही नहीं लग रहा। यार, एक महीने से रिसर्च कर करके घूम घूम के आगे के बाल झड़ गए यार। भाई बाल नहीं झड़े, ऐसा लग रहा है तू बुड्ढा हो रहा है। गाड़ी क्यों रोक दी यार? सामने तो देख यार, देख मीरा खड़ी है सामने। क्या मीरा कहाँ है भाई? तुझे नहीं दिखाई दे रही? अरे ये क्या गाड़ी के सामने खड़ी है? अरे हम लोग भूतों के मारे परेशान हैं और तू है कि कॉमेडी कर रहा है। नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो सामने खड़ी है। अरे यार मेरी बात सुन, तू सीरियसली बोल रहा है या कॉमेडी कर रहा है, वो भी इतनी रात के वक्त इस पुल पर? चुप कर यार, वो रो रही है। तू मेरी बात मान, गाड़ी चला। ए सुनना, ए गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है, तुझे हो क्या गया है? अरे चलना भाई, अरे चलना यार। अरे यार सामने कोई नहीं है, तू खामखा परेशान हो रहा है, तू गाड़ी चला यार। ठीक है, मैं गाड़ी चलाता हूं। चल बारा बारा, तू बारा। तू बैठ बैठ भाई। अरे कुछ भी नहीं है यार, बैठ जा बैठ जा। अरे बैठ ना यार, तू आराम से बैठ।